आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में ये जादू मंडी परिसर कहलाता है। हम देखते हैं कि हर भाग में एक चुनाव होते हैं और चुनाव हमारे एक राजनीति का भाग होता है और हमारे लोकतंत्र की ताकत है। अलग अलग प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं और यही दर्शाते हैं कि हर गरीब जो छोटी छोटी संस्था में काम करता है उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। आज जादूवाड़ी के अंदर कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है। व्यापारी मतदार संघ लोकप्रिय उम्मीदवार, इनका नाम है ईसा खान, हबीब खान, और इनको एक नंबर क्रमांक मिला है, बटन नंबर और टेबल लैंप इनकी निशानी है। देखिए, हर उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, हर एक दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये भाजी मंडी है और यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं उनके अंदर समस्या होती है। हमने देखा इससे पहले मीडिया के माध्यम से, पार्किंग की समस्या है, भाव बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, शेतकरों की समस्या है, कई तरह की है, लेकिन छोटी समस्या नहीं होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। इसका प्रभाव कहने के यहाँ से जब मार्केट में जो माल निकलता है उसके ऊपर पड़ता है। अगर यहाँ का मैनेजमेंट सही हो तो हम समझते हैं कि यहाँ भी सही चलेगा और बाहर भी सही चलेगा। और क्या है करने वाले, विकास की ओर जाने वाले, वो जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईसा खान है, ईसा खान हबीब खान। मैं जादूवाड़ी मंडी और मोंडे के उम्मीदवार हूँ। अब तो हमारी मंडी में इतनी समस्या है कि लिमिट नहीं, अभी तक कोई विकास नहीं, पानी पीने का नहीं और टॉयलेट बाथरूम नहीं, जानवरों की दिक्कत है, बाउंड्री वॉल नहीं, पार्किंग का मसला है, चोरियाँ बहुत होती है वहाँ जी। हाँ, उसके लिए बहुत दिक्कत है। उसके लिए हम उम्मीदवार के लिए अभी तक क्या होता है, ये मंडी वाले लोग आते हैं, ये एक बार जीतने जीत जाते हैं उसके बाद कभी कदम भी नहीं रखते मंडी में जी। हाँ सर, ये आपका अनुभव है, मतलब कभी कोई नहीं आया? नहीं, आते ही नहीं है, इसलिए आप चुनाव मैदान? हाँ, इसके चुनाव मैदान में हमारे को आना पड़ा उसके लिए। सर ये बताइए, आमतौर से चुनाव तो हम देखते हैं पैनल के द्वारा लड़े जाते हैं, आप पक्ष कह सकते हैं, फिर भी कहने के किसी पार्टी का समर्थन रहता है, तो वो खुल के पूछ रहा हूँ, किसी पार्टी का समर्थन है आप? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल अपक्ष लड़ रहे हैं? अपक्ष लड़ रहे हैं। सर कितने मतदार संघ है, मतलब कितने लोग मतदान है? 858 लोग। 858 और कितने लोग चुनाव मैदान में आपके इसमें? 5। 5 है तो सर ये एक तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। क्या ये आप पहली बार लड़ रहे हैं? पहले चुनाव लड़ा है? मैं इससे बार पहली बार दो बार लड़ाऊंगा। आपका रिजल्ट क्या रहा था आपका? मैं सेकंड पे आया था इससे पहले। सेकंड पे आया तो आपकी बार क्या आशा है, मतलब एक आपके बार उन्होंने लोग खुद बोले है, अब बस अपने उधर मुंडिया लोग उनको दिए, नए पुराने मुंडिया लोग को दिए, अब क्या ये मुंडिया लोग मंडिया ले को करेंगे, मंडिया ले मिल के हमको। आप अक्सर से लड़ रहे हैं, अब की बात डेवलपमेंट के नाम पे आप जो लड़ रहे हैं तो क्या डेवलप करना चाह रहे हैं आप, उसके बारे में? डेवलप बोले तो हमारे अभी बहुत दिक्कत है ना, वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं हम। खास समस्या एक नहीं है, कौन कौन सी समस्या है वो? जैसा हमारे यहाँ पीने का पानी का, सेल हाल का मसला है, जानवरों का मसला है, और पराला चाह तो जानवरों का मसला है, बाउंड्री वाल नहीं है, एक चीज़ नहीं है ना, हमारे यहाँ बहुत है। सर हमने इससे पहले मीडिया के माध्यम से देखा है कि शेतकरी भी कई कई नाराज होते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो सर कि आपके चुनाव आने का, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके चुनाव आने के बाद शेतकरी की समस्या भी हल हो जाएंगे, इसका भाव पर असर पड़ेगा थोड़ा बहुत? बहुत बड़ा पड़ेगा ना, जो कोई देखने वाला नहीं, अब देखने वाला आ जाए तो एक दिक्कत खत्म हो जाएगी जी। हाँ, ये जो कोई आते ही नहीं ना, ये चुन के आ गए 5 साल में एक बार आते मिलने को, उसके बाद कभी गलती से कदम भी नहीं रखते मंडिया में, मोंडे में है हमारे यहाँ। सर हम देखते हैं कि आजकल चुनाव के अंदर जो है तो कहने के एक जाति मतदार का भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जैसे मंडी क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दलित सब मिलके रहते हैं, मिलके रहते हैं। आपका क्या अनुभव सर यहाँ का? नहीं, ये 100% है ना, मिलके रहते हैं? मिलके रहते एकदम फुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कभी लफड़ा नहीं, मतलब त्यौहार जयंती सब मिलके मनाते हैं? सब बनाते हैं, सब मनाते हैं। एक आखिरी संदेश क्या देंगे आपको जो मतदान करने वाले, उनको अपील क्या करेंगे आप? मैं सब भाई लोगों से गुजारिश करूँगा कि मुझे वोट दो, मेरे काम को, मेरे उसको देख के वोट दीजिए मेरे को। मुजीब खान, जम्मू खान हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ इस भाजी मार्केट का, भाजी मंडी का, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मंडी के अंदर बहुत भारी समस्या है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर हमारी मंडी से कभी भी कोई डायरेक्टर चुन कर नहीं गया, जब से मार्केट कमेटी कृषि उत्पन्न बाजार समिति बनी है, जब से लेके आज तक के कोई भी मार्केट कमेटी का हमारे यहाँ से डायरेक्टर नहीं गया मार्केट कमेटी के अंदर। ये खाली हम इन्हीं के भरोसे पे आज तक के वो करते आए, लेकिन अभी ये टाइम चांस का है, इससे पहले भी चांस था, सेकंड टाइम आए थे, और ये इसके बाद भी एक चांस और आने आ गया है। अब इंशाल्लाह चुनकर आने की हमारी उम्मीद और बरकरार हो गई है, सभी हमको हिंदू मुस्लिम सबका इसका साथ मिल रहा है, और सब व्यापारी हम सब अच्छी तरीके से हमारे उसमें बज में आ चुके हैं।
सर डायरेक्टर कौन है, मतलब कौन कौन चुन के आता था? आपने कहा कि डायरेक्टर हमारा नहीं था, डायरेक्टर कौन चुन के आता? ये बाहर के मतलब मंडी के और कुछ मुंडे, उधर मंडी का तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुंडे के लोग ज्यादा आते थे चुन बाहर के, चुन बाहर के चुन के जूना मुंडा का इधर का। लेकिन आपके असल चांस है और इंशाल्लाह ये टाइम पे हमारी सीट निकलने के 100% चांस बढ़ गए और हम डेवलपमेंट भी काम करेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे और जो भी तकलीफ है हम सब तकलीफ का निवारण करेंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल ये है कि बाहर का जो डायरेक्टर चुन के आता है वो और स्थानीय तौर पर यहाँ का क्या अंतर होता है अगर चुन के आए यहाँ का? वो हमारे पास में कुछ भी देखते नहीं, वो लोग यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं, हमारे मंडी में तो इतनी परेशानी हाल ही नहीं रहता और कभी देखने को भी नहीं आते कि मंडी का क्या चल रहा है। वो लोग बाहर के आने के बाद में कोई देखने को तैयार नहीं, हमारे पास में आतिश नहीं, यहाँ के जानवर की समस्या है, तुम्हारे वो शराबियों की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे। रात भर मंडी है, मंडी के अलावा यहाँ दारू बिकती मंडी के अंदर, ये शराब का अड्डा बना रखा है हमारी मंडी को ये लोगों ने, यानी इतनी बुरी हालत है यहाँ की। पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पे, रोड के ऊपर किसान लोग अनाज माल बेच रहे हैं, ये सब समस्या है हमारे यहाँ पे। इस तरह से आपने देखा, देखिए सारी बात आपके सामने है, पॉम्पलेट आपके सामने है। हम ज़्यादा तो कुछ कहना चाहते नहीं है क्योंकि जनता भी बहुत जागरूक हो गई है। एक बात उन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ कही है कि बाहर के लोग डायरेक्टर बनते हैं, तो ये हमारी लोकतंत्र पे कहने का प्रश्न आता है। और हम तमाम यहाँ के रहने वालों से कहते हैं जो मतदान करने वाले हैं कि देखिए जो अपने बीच का आदमी होता है, जो स्थानीय आदमी होता है, अगर आप उनको चुन के देते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो यकीनी तौर से आप उनका खाते पास रखकर हाथ पकड़ गला पकड़ के काम करा सकते हैं। अब जो बनता बाहर का है, हम देखते हैं विधानसभा आमदार के अंदर देखते हैं, बोलते हैं ना बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी है, तो हमको वो भी अनुभव है कि बाहर का आदमी उसकी तकलीफ होती है। और जो स्थानीय होता है, जो हमारे साथ बैठ के चाय पीता है, पानी पीता है, साथ चलता है, तो हमसे ज़्यादा काम करा के ले सकते हैं, हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है ये आपको तय करना है। देखो भाई, सबसे पहले हम व्यापारी हैं, व्यापारी हमारे में व्यापार में कोई झगड़ा नहीं रहता, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। सही बात है, पहले व्यापार बाद में इलेक्शन, वो भी प्रेम के साथ में। सर आज व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद। सर आपने कहा है कि हम एक हैं, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लगता है कि अलग अलग हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, साथ में खड़े, कैसा लगता है आपको? अरे ये तो यही तो मजा है, व्यापारी का यही चिन्ह है, व्यापारी को उसको ही व्यापारी बोला जाता, अनेकता में एकता है, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, लेकिन साथ में रहेंगे, उसी को व्यापार बोलते हैं, उसको एकता बोलते हैं व्यापार। और चुनाव के टाइम पे हम भले ऐसा अलग अलग रहे, चुनाव जैसा खत्म होता है साथ में रहते, एक ही थाली में भोजन करते हम लोग। सही सर, ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। सर जैसे कल ईसा सेठ के तरफ से ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया है, तो आप पूरे मेंबर्स उस ईद मिलन प्रोग्राम में शिरकत करके हिंदू मुस्लिम एकता की एक ताकत जाहिर करेंगे। इनविटेशन देना, इनविटेशन देना, पहले बात की बात है, इनविटेशन तो पहले देना। ईद होते ही हम लोग सबसे पहले अब तुम ईद होते ही नहीं, ईद होते ही हमने दूसरे दिन सबसे पहले जाके सबको ईद मिल गया, ईद मुबारक दिया सबको, पूरे मंडी में दुकानदार को देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, दस बजे आए हमारे पैसा नहीं, कल आओ ना, ईद मिलन रखे, ईद मिलन प्रोग्राम कल का। थैंक यू सर, थैंक यू।